हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रिकेट्स में आपका। फ्रेंड्स, इंडियन नेवी SSR AA का एग्ज़ाम 2 फरवरी को स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड, 3 शिफ्ट, 3rd शिफ्ट का, ठीक है। शिफ्ट के ख़त्म होने के बाद ही आपको इसका एनालिसिस मिल जाएगा क्वेश्चन के साथ। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन किस प्रकार से आने वाले हैं और क्या क्या आने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप 3rd शिफ्ट में एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा और आपको करना क्या है, किन किन टॉपिकों को अच्छे से एक बार कवर कर लेना है। मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, आपको इंटीग्रेशन का पार्ट जो है ना मैथ्स का, उसको आप अच्छे से कवर अप करिए, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन का पार्ट डेफिनेट हो या इनडेफिनिट हो, दोनों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, पहला टॉपिक। उसके बाद सेकंड टॉपिक क्या है, आपको खेल से जितने भी यूथ गेम हुए हैं, अभी मान लीजिए खेलो इंडिया चल रहा है, ख़त्म हो गया है, जो कि 20 जनवरी को ख़त्म हुआ था, ठीक है। ये खेलो इंडिया में जितने भी पार्टिसिपेट किए थे, उन्होंने किन किन पदकों में अपना कार्यभार संभाला है और क्या क्या उन्होंने जीता है, सारे के सारे क्वेश्चंस, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। और फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म से बहुत सारे क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कितने फ्रेंड्स, 3 से 4 क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछे जा रहे हैं। तो फुल फॉर्म का वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल में, नहीं तो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। बात करेंगे फ्रेंड्स नरेशन, ठीक है, नरेशन, वॉइस चेंज, एरर, स्पेल वर्ड और सिनोनिम एंटोनिम्स, सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं करेंसी से। देखिए फ्रेंड्स, करेंसी मेन मुद्दा होता है, करेंसी कैपिटल, ठीक है, करेंसी और कैपिटल दोनों याद रख लीजिएगा। और लोक नृत्य से अभी तक नहीं आया है क्वेश्चन, तो यह मुझे जहाँ तक लगता है 3rd शिफ्ट में एक ना एक लोक नृत्य ज़रूर पूछेगा, तो लोक नृत्य से भी क्वेश्चन एक बार कवर कर लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, जितने भी बुक राइटर के नाम है, देखिए फ्रेंड्स, बुक राइटर का नाम मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आपने नहीं देखा तो ज़रूर जाके वीडियो चैनल में देख सकते हो, सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे हमारे चैनल में। तो आप हमारा ही चैनल नहीं, यूट्यूब में कोई भी चैनल देखिए, आपको सारे चैनलों में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं फ्रेंड्स, अब करेंसी मैंने बात की, फुल फॉर्म के बारे में बता दिया आपको, नेवी डे, ठीक है, आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, जितने भी जो है ना वेल बिहेव्ड जो होते हैं आर्मी के, जितने भी हैं, कौन कौन से डे कब कब सेलिब्रेट करते हैं, उनका भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर सीरीज से क्वेश्चन आ रहा है, 7, देखिए फ्रेंड्स, रीजनिंग से 7 क्वेश्चन आया था, रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, उसमें से आपको 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर शिफ्टों में, तो रीजनिंग को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सिनोनिम एंटोनिम को अच्छे से कवर करिए, क्योंकि सिनोनिम से एंटोनिम से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ, डायमेंशनल फार्मूले से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो डायमेंशनल फार्मूला के भी क्वेश्चन पढ़ लेना है, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पढ़ लेना है। देखिए फ्रेंड्स, एंशियंट हिस्ट्री से अगले शिफ्ट में, 2nd शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी फसल इस्तेमाल नहीं होती, यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कौन सी फसल इस्तेमाल नहीं होती, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको बताना था कि कौन सी फसल इस्तेमाल नहीं होती, इस टाइप का क्वेश्चन था एंशियंट हिस्ट्री से। अभी देखिए मॉडर्न हिस्ट्री भी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप थोड़ा जो है ना चौकन्ने रहिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सारे के सारे आपने पढ़े हैं, ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े चैनल हैं यूट्यूब में जिन्होंने सभी ने अच्छे से पढ़ाए हैं आपको, ठीक है, और आपको सारे क्वेश्चंस करके आना है, मेरी बेस्ट ऑफ लक आपके साथ रहेगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, उस वीडियो में आपको 3rd शिफ्ट का पूरा क्वेश्चंस में लेके आऊँगा, उसके साथ PDF भी प्रोवाइड होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा और वो वीडियो आपके लिए बेहतरीन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्टिंग से 1st, 2nd, 3rd तीनों शिफ्ट का पेपर पर डालने वाला हूँ। देखिए, 1st पेपर मैंने जो डाला है सारे का सारा एक्यूरेट क्वेश्चन है, 2nd के भी सारे के सारे एक्यूरेट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, और 3rd में भी आपको सारे क्वेश्चन एक्यूरेट मिलने वाले हैं, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।